हेलो दोस्तों, ये शनर्जी का माल है और इसका नाम सुपर फाइन है। मतलब इसमें पुट्टी की तरह ही माल निकलता है, लिक्विड माल निकलता है। देखो, आप देख सकते हो जैसे हमारी एक्रेलिक पुट्टी होती है उसी की तरह ये सुपर फाइन माल है। सुपर फाइन इसका नाम है इस माल का और शनर्जी कंपनी का है। और इसके अंदर दाना नहीं होता, ये पुट्टी की तरह होता है, सिर्फ लिक्विड होता है और इसमें पानी नहीं डालना पड़ता। और जैसे अगर आपको पतला माल चलाना है, मतलब पानी से बनाना नहीं पड़ता, अगर पतला माल चलाना है थोड़ा, जैसे टाइट निकलता है तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हो उसमें। और दोस्तों, ये डिज़ाइन मैं बनाने जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो पंच सर्कल, इस डिज़ाइन का नाम है पंच सर्कल। ये मैंने सिर्फ हाथ के पंजे से ही सर्कल बनाए हैं इसमें। और पहले पंच चलाया, फिर दो उंगलियाँ चलाई हैं तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ, किस तरह से नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें बनाना शुरू किया था, हाथ से माल चढ़ाया था, तो इसमें मैंने सबसे पहले पांचों उंगलियों का इस्तेमाल किया था, चार उंगलियां और अंगूठा साथ में, उनका सबका इस्तेमाल किया था। और गोल गोल छल्ले जैसा हम फीस बनाते हैं, जो हमारा एक लीटर का डब्बा होता है और उससे हम फीस बनाते हैं, वैसे ही हमने इसको बनाना शुरू किया था। अभी पहले हमने पांच उंगलियों से बनाया और अब दो उंगलियों से उसी के ऊपर हम डबल कर रहे हैं लाइन बाई लाइन। जैसे कि हमने ऊपर मारा, पांच उंगली से चलाया, उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन मारी पांच उंगली से, तो जो उसके बीच वाली जगह होती है तो आधा हमने ऊपर वाले पंच वाली जगह ले ली, आधी नीचे वाली, तो उन दोनों के बीच में हमने दो दो उंगलियों से द्वारा से मारा उसको, मतलब दो दो उंगलियाँ चलाई, गोल गोल घुमाया, तो ये हमारा डिज़ाइन निकला है पंच सर्कल। अभी आप देख सकते हो पहले मैंने पंच चलाया और बाद में दो उंगलियाँ चलाई। तो इसमें आप भी इसी तरह से आप इसको बना सकते हो। आसान है बनाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात और, आपके पास कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए जिससे कि आपके हाथ पे जो लगा जो माल होता है, उंगलियों पे जो लगा होता है, उसको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो जगह जगह हमारा माल लटक जाता है। अभी आप देख रहे हो कि इस तरह से मैं बना रहा हूँ और साफ साफ भी दिख रहा है आपको, पाँच उंगली से बनाया मैंने, उसके बाद फिर दो उंगली से इसको बनाया। दोस्तों, बात करते हैं हम इसके अंदर के बेस की, कि अंदर का बेस जो बनाया वो हमने कैसे बनाया था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर का जो बेस बनाया था हमने, वो हमारा प्लास्टिक पेंट का बेस है। सबसे पहले हमने दीवार पे दो पुट्टियाँ करी, नई दीवार थी हमारी ये, दो पुट्टियाँ करी। दो पुट्टियाँ करने के बाद में प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाने के बाद में हमने इस पर प्लास्टिक के दो कोट मारे, लाइट ऑरेंज के दो कोट मारे। मतलब आप चाहे लाइट ऑरेंज जो भी आपको कलर पसंद है वो मार सकते हो, खाली आप प्राइमर के ऊपर भी ये डिज़ाइन आपका निकल जाएगा। ये दीवार जो हमने इसलिए तैयार की थी, इस पर टेक्चर करने का कोई इरादा नहीं था, तो इसको जो हमने कलर उलर सारा मार दिया था, लेकिन बाद में हमारा इरादा चेंज हो गया तो हमने इसको फिर टेक्चर किया, नहीं तो प्लान रखने का वो था। तो प्लास्टिक अगर पेंट हमारा प्रीमियम मिल से या ट्रैक्टर मिल से नीचे लगा होगा तो भी ये डिज़ाइन निकल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई पपड़ी बनेगी। और ये सुपर फाइन माल है हमारा, सिनर्जी कंपनी का है और ये हर एक पेंट की दुकान पे मिल जाता है। और भी कंपनी के माल आते हैं तो वो भी मैं बता दूँगा अगली वीडियो में, जो भी आएगी जिस कंपनी का भी लेके आऊँगा तो उस कंपनी में उसका बताऊँगा नाम ज़रूर मैं। तो इससे आप बना सकते हो और थोड़ा थोड़ा बीच, जैसे कि एक लड़का हमारा एक माल चढ़ा रहा है और एक मैं इसका डिज़ाइन निकाल रहा हूँ। इसमें हमने कोई टैपिंग नहीं की है, नहीं हमने टैप लगाया है, ये सिर्फ पूरी दीवार की है। कुछ हमारे जो पेंटर भाई है वो ये बोलते हैं कमेंट करके कि सर आप टैप लगाते हो, और कोई कस्टमर टैप नहीं लगवाना चाहता तो उसके जोड़ आ जाते हैं फिर, तो उन्हीं के लिए सबसे स्पेशल वीडियो है कि मैंने इसमें टैप नहीं लगाया। और आप देख सकते हो कि इसमें कोई जोड़ भी नहीं आया है और ना ही इसमें जोड़ मैंने आने दिया है, क्योंकि करने का तरीका होता है। थोड़ा पीस करो, 2x3 या 3x3 का पीस मारो, पुट्टी लगवाओ और फिर पीछे से तुम काम करना चालू कर दो। तो दोस्तों, ये कलर हमने बनाया अभी, तो ये कलर मैं बेस कोट देने जा रहा हूँ, प्लास्टिक पेंट है ये हमारा, बेस कोट देने जा रहा हूँ मैं इसका। और आपने इसका नंबर देख ही लिया होगा, और मैं बकाया नंबर पीछे मैंने दे ही दिया है, आप
नंबर, वो आप खुद जान लोगे कितना नंबर है। और ये हमने बेस कोट लगाया है इस दीवार पे, तो ये प्लास्टिक में हमारा बेस कोट, तो आप भी प्लास्टिक में बेस कोट मार सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप रॉयल में ही मारोगे, पर हमने ये बेस कोट मारने से पहले इसकी हमने पहले पट्टे वाले रेगमाल से 80 नंबर से रगड़ाई की थी। उससे ये हुआ कि हमारा जो मोटा मोटा माल था वो सारा कट के नीचे निकल गया, वो झड़ गया, जो दाना था मोटा मोटा और ये सारा स्मूथ हो गया। और रेगमाल की तुमने अच्छी तरह से मारना होगा, नहीं तो अगर आप हल्का रेगमाल मारोगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, ना ही आपकी पेंटिंग बेस कोट लगाने में फिनिशिंग आएगी और ना ही आपके टॉप कोट लगाने में फिनिशिंग आएगी। दोस्तों 100 फुट की दीवार में हमारा 2 लीटर प्लास्टिक कोट, प्लास्टिक का पेंट लगता है, प्लास्टिक पेंट यानी बेस कोट। पहले कोट में हमारा लगता है 1 लीटर, दूसरे कोट में भी 1 लीटर लगता है। और पानी पहले कोट में भी हमने 1 लीटर डाला था बेस कोट में, वो सॉरी 800 ग्राम, और दूसरे कोट में भी हमने 800 ग्राम ही डाला था। तो दोस्तों ये हमारा सिल्वर और गोल्ड है, ये सिल्वर और गोल्ड हमने मिक्स किया है और इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला 50 ग्राम करीब, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही माल बनाया था ये हमने, 50 ग्राम तो थोड़ा ज़्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। ये हमारा बन के तैयार हो गया और ये बन गया। अब ये हम रूलर है हमारा स्पॉन्ज वाला, ये मार्केट में आपको दुकान पे हर कोई सी दुकान पे मिल जाएगा। और ये हमारा स्पॉन्ज वाला रूलर है, जैसे कि आप देख रहे हो स्पॉन्ज रूलर है। तो जैसे हमने जो रूलर भरना है ना, वो कम बढ़ती नहीं भरना, बराबर भरना है। एक ट्रे लेनी है आपने इसी तरह से, और उसमें कम बढ़ती माल नहीं भरना है, बराबर भरना है, और इस तरह से आपने ये डिजाइन निकालना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिजाइन बनाना बहुत आसान है। कारीगरी ये है कि जब हमने टॉप कोट देना होता है तो माल हमने स्पॉन्ज वाले रूलर में बराबर भरना होता है। कुछ पेंटर क्या करते हैं कि इसकी एक साइड में माल भर देते हैं और सीधे दीवार पर लगा देते हैं, तो वो रूलर हमारा झटके लेके चलता है तो कम बढ़ती माल फेंकता है, वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं और फिनिशिंग नहीं आती। तो जैसे कि मैं इसमें बिल्कुल बराबर माल भर रहा हूँ रूलर का, और रूलर आपने एकदम से नहीं दबा के रखना है, हल्के हल्के दबा कर, मतलब अगर माल शुरू में ज़्यादा होता है, जैसे हम ट्रे में से रूलर उठाते हैं तो उसमें माल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको आसानी के साथ चलाओ, आसान मतलब बहुत हल्के हाथ से चलाओ उसको। और जैसे जैसे उसके अंदर माल कम हो तो वो आपको दिखाई देता है, उस हिसाब से उसको थोड़ा दबाते चले जाओ, उसी हिसाब से दबाना होगा। ये नहीं कि आप बेतुका दबा दो, बेहिसाब दबा दो और आपके जगह जगह प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम माल लगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि डिजाइन तो बनाना आपको आसान हो ही जाएगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बता देना, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा और टाइटल में भी, तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेरे पास कॉल भी कर लेना, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह से देखो मैंने ये बना दिया, अभी हमारा पूरा हो चुका है, तो इसी तरह से आपने इसमें देना होगा। आपको बार बार बता रहा हूँ कि रूलर का चलाने का हिसाब किताब, चाहे आप सीधा चलाओ चाहे उल्टा चलाओ, मतलब कहने का मतलब ऊपर से नीचे चलाओ चाहे सीधा चलाओ, डिजाइन आपका बनता चला जाएगा और न इस डिजाइन में आपके जोड़ भी नहीं आएंगे। आप सोचो कि इधर का माल सूख गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डबल रूलर भी आप अगर चढ़ा दोगे तो माल उतना ही लगना है, उतना ही लगेगा, उतने ही बीच में लगेगा जितने बीच में के रूलर को टच होने की जगह मिली है, एक्स्ट्रा माल नहीं लगेगा। मेरा भी अभी आप देख सकते हो रूलर में डबल डबल चढ़ा लेता हूँ, ये देखिए आप डबल डबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जोड़ नहीं, जोड़ आपके ऐसे ही मिलते चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने यह रूलर लगाया कि नहीं लगाया, मतलब जोड़ तो दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से मैंने ये किया है उस तरह से आप भी करोगे तो जोड़ आपको दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों अगर और भी आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं वो शिकायत आपकी दूर कर दूँगा। तो दोस्तों ये हमारा शोकेस है, शोकेस में हमने तारबिन डाली है, ऐसे अब मानो का 1 लीटर हमारा शोकेस था, मतलब टच बोर्ड या वार्निश कुछ भी समझ लो उसे, तो हमने इसमें 200 ग्राम तारबिन डाली है। 200 ग्राम वार्निश तारबिन डाल के ये हमने चलाया है, 200 ग्राम तारबिन डाल के वार्निश में, आप इसे टच बोर्ड भी बोल सकते हो, शोकेस भी बोल सकते हो, वार्निश भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ों में से कोई भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुकान वाला दे देगा आपको। क्योंकि वैसे शोकेस अलग होता है, ये नैरोलक का वंडरफुल अलग होता है और टच बोर्ड अलग होता है, ये मतलब है एक ही चीज़ ना कि नाम थोड़े अलग अलग हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो
क्या ये हमारा टच बोर्ड लग चुका है इस पर, और दीवार आप देख रहे हो किस तरह की हमारी दीवार बनी है, तो किस तरह की आपको दिख रही है, ये हमारी दीवार फाइनल हो चुकी है। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और किस तरह का मेरा समझाना लगा आपको, किस तरह का नहीं लगा, और आपको इस तरह के और डिज़ाइन चाहिए और अभी कुछ और नए नए डिज़ाइन चाहिए न्यू डिज़ाइन, तो दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि और ऐसे ऐसे डिज़ाइन लेके आइए। अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं हर एक लाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रोज़ एक वीडियो लाऊँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रोज़ नहीं लेके आता, क्योंकि कुछ ऐसा भी टाइम आ जाता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता, कुछ घर के काम होते हैं उसमें मैं उलझ जाता हूँ। तब कोशिश करता हूँ मैं कि आपको रोज़ एक वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों मेरे को ज़रूर बताना इसमें कोई जोड़ वोड़ आया हो या जोड़ में कोई मतलब दीवार में प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में करके ज़रूर बताना। अगर इसे दूर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगी, पास से देखेंगे तो कुछ और चीज़ दिखाई देगी। दोस्तों ये बनेगा पंच क्रिंकल नहीं, ये हमारा पांच उंगलियों से बनता है, तो पांच उंगली पहले चलानी पड़ेंगी, बाद में दो चलानी पड़ेंगी, तो ये पंच सर्कल तभी बनेगा आपका, वैसे नहीं बन पाएगा। आप सोचोगे दो पांच चला के पांचों और छोड़ दें, दो उंगलियां ना चलाएं, फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जो दिख रहे हैं ज़्यादा गहरे गहरे निशान और गोल गोल, तो ये हमारे दो उंगलियों के ही ज़्यादा दिख रहे हैं, जो हमारे पंच सर्कल हैं तो वो तो हमारे बीच बीच में आ जाते हैं, बकायदा तो दो का ही कमाल होता है इसमें, वो बीच बीच में आते हैं तो उसका भी हमारा डिज़ाइन दिखता है फूलों की तरह पत्तियों की तरह। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही हैं तो उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह से हमारे साथ रहें और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।